नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गोल्ड को किस तरह से आप घर में लगाएं, किस तरह से जो है नर्सरी से पौधा लाए, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कब्ज, अगर आपको कब्ज है तो गेंदे का फूल फायदेमंद है। कब्ज के रोगी गेंदे के 10 पत्तों को 2 चम्मच पानी में पीसकर 5 ग्राम मिश्री मिलाकर छानकर सेवन करने से कब्ज से राहत मिलती है। दाद, अगर आपको दाद हो गया तो क्या करें, दाद में गेंदे के फूलों का रस को जो आप दिन में 3 से 4 बार अगर सेवन करते हैं तो दाद कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। सूजन अगर आ गई है तो फायदेमंद है। गेंदे में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, इसलिए सूजन को कम करने के लिए ये काफ़ी उपयोगी होता है। गेंदे की चाय बनाकर पीने से या लेप लगाने से सूजन कम हो जाता है। आंतरिक अंगों की सूजन को कम करने के लिए गेंदे का काढ़ा बनाकर पिलाने से निश्चित रूप से आपके जो है सूजन खत्म हो जाएगी। घाव में गेंदे के फूल काफ़ी फायदेमंद है। घाव में गेंदे की पत्ती को पीसकर फोड़े, फुंसी और घाव पे लगाने से जो है आराम मिलता है, तो बहुत ही फायदेमंद है गेंदे का ये जो फूल है। दोस्तों, पैरों की बेवाई में गेंदे के फूल बहुत फायदेमंद है। बेवाई में गेंदे के पत्तों का रस वैसलीन में मिलाकर हाथ पैर पर लेप करने से बेवाई और हाथ पैर की खुश्की दूर होती है, तो बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारी में लाभकारी है, दमा में बहुत लाभकारी है। दमा के रोगी को गेंदे के बीज का चूर्ण काढ़ा बनाकर 1 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम 1 चम्मच शुद्ध जल के साथ सेवन करने से दमा के रोगी को राहत मिलती है। श्वास से संबंधित अगर आपको बीमारी है तो क्या करें, अगर सांस से संबंधित बीमारी है तो गेंदे के पुष्प के बीजों की घुंडी का 2 से 5 ग्राम चूर्ण, 10 ग्राम खंडा और 1 चम्मच दही के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से दमा, श्वास, खांसी इस सब से आपको राहत मिल जाएगी, तो बहुत ही लाभकारी है। आंखों के लिए बहुत लाभकारी है, अगर आंखें आपका अंधापन हो गया है या फिर जो है आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये भी बहुत फायदेमंद है। तो करना कुछ नहीं है, इसके जो है गेंदे के फूल जो है ना उनको जो है उसका रस निकाल के आंख धोना है उससे, तो इससे जो है धीरे धीरे करके आंखों की समस्या समाप्त होगी। मूत्र विकार में भी बहुत फायदेमंद है। मूत्र विकार में गेंदे के 10 ग्राम पत्तों को पीसकर उसके रस में मिश्री मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे पास है गेंदे का सूखा फूल, तो अब मैं इसको डालूंगा और इसको देखिए, ये मैंने इसको बिल्कुल धूप में सुखाया। तो जिस भी कलर का आपको फूल अगर लगाना है गेंदे का, तो बीज के माध्यम से बड़े आसानी से लगा सकते हो। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको जो है सुखाना है। सूखने के बाद इसे तोड़ लीजिए इस तरह से, देखिए जैसे कि मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टूट चुका है, देखिए अब ये बीज बन गया। ये बीज है दोस्तों, ध्यान से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरह से बीज हो गया है, ये देखिए। तब हम जो है इसे बिल्कुल बारीक बारीक दूर दूर फैलाएंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल दूर दूर और एक एक करके फैलाना है ताकि ये अच्छे से अंकुरित हो जाए। इस तरह से बिल्कुल ऐसे इस तरह से करना है आपको,
ये देखिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे पौधे हो जाएंगे एक साथ। तो इस तरह से दूर दूर छिड़काव कर दें। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, हल्का सा पानी छिड़काव करना है ताकि बीज जो है उड़े नहीं, ऐसे छिड़कना भर है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर कंपोस्ट डालेंगे दोस्तों, बिल्कुल कंपोस्ट इतना बारीक डालेंगे कि ऊपर से सिर्फ ढक जाए। ये देखिए जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मिट्टी अगर हो तो वो भी डाल सकते हैं, कंपोस्ट बेस्ट रहेगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं ढक दिया हूँ, ये देखिए इस तरह से आप ढक दें, ये देखिए। अब इसके ऊपर हल्का सा पानी आपको छिड़काव करना है इस तरह से, देखिए। इस तरह से आपको छिड़काव करना है पानी को, अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब आप सिर्फ वेट कीजिए, 2 से 3 दिन में ये अंकुरित हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अपडेट के साथ। तो इस तरह से आप पानी डाल दीजिए, बस हल्का सा पानी छिड़काव करना है ताकि बीज भी बाहर ना आए। अगर आपको बीज बाहर लग रहा है तो ऊपर से थोड़ा सा जो है बारीक जो है खाद ऐसे डाल सकते हैं, इस तरह से ये देखिए, ताकि वो जो है उड़े ना, इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए कैसे पौधे निकल आए हैं, तो दोस्तों मैरी गोल्ड का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हमें गमला चाहिए, और ये गमले में बड़े आसानी से लग जाता है। तो इस तरह से पहले एक होल कर लीजिए, देख लीजिए, ये इसलिए किया जाता है ताकि इसमें पानी ज़्यादा जमा ना हो, क्योंकि पौधा अगर इसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो पौधा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए होल करना ज़रूरी है। एक हो या दो हो चलेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको एक कंकड़ रखना है, कंकड़ या पत्थर कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं पत्थर रख रहा हूँ। अब इसमें मैं मिट्टी भरूंगा आधा। दोस्तों ये मिट्टी मैंने जो है 3 दिन पहले मिक्स करके रखा, क्या क्या मिक्स किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको आधा भर देता हूँ, धीरे धीरे डालूंगा मिट्टी ताकि ये पत्थर हिले ना। मैरी गोल्ड का पौधा बहुत सारी बीमारियां ठीक करता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस मिट्टी में मैंने क्या क्या मिलाया है। तो दोस्तों इसमें जो है गार्डन की मिट्टी है, तो ये 60% है, कोई भी मिट्टी ले लीजिए आप 60%। इसके अलावा इसमें मैंने कंपोस्ट मिलाया 30%, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको कंपोस्ट मिल जाए, वर्मिंग कंपोस्ट मिल जाए, कोकोपीट मिल जाए, जो आपको अवेलेबल हो वो डाल दें। ये 30% है, ये देखिए, तो मिक्स करके रखा हुआ मैंने। और 10% ये रेत है, देखिए ये जुड़ाई बुड़ाई मकान वकान बनाने के काम आता है इस तरह से। तो ये 10% है, मिक्स करके रखा हुआ है। इसके अलावा क्या क्या डाला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा ये देखिए, ये है सरसों खली, तो इसको डालिए आप इतना टुकड़ा, ज़्यादा नहीं। ये आपको जहाँ पे जानवरों का चारा मिलता वहाँ मिल जाएगा, या फिर नर्सरी मिल जाएगा, इतना टुकड़ा डालना है बस, मैं डाल रखा है इसमें।
इसके अलावा ये नीम खली है, देखिए इतना ही डालना है क्योंकि गमला है तो ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है एक पीस। और इसको मिला के मैंने रखा हुआ है इसके अलावा देख लीजिए ये DAP है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, इसकी 4 से 5 दाना डालना, बस ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से। अब मिक्स करके रखा है और एक छोटे चने के आकार के बराबर इसे मैंने खाने का चूना मिला रखा है, तो ये 3 दिन पहले मिला के रखा था इसलिए ताकि इसमें कोई भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा ना हो, कीट ना हो। गमले में ये सब चीज़ें बहुत जल्दी लगती है, तो चलिए पौधा लगाते हैं। तो ये हमारे पास पौधा है, इसकी मैंने थैली निकाल ली, देख लीजिए। अब इसको हम बीचों बीच रखेंगे। मिट्टी हमेशा गमले से 2 इंच नीचे तक भरना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको खाद के लिए बता देता हूँ। इसमें खाद जो है आप नीम खली, सरसों खली और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये सब जो है हर 20 दिन के अंतराल पे डालना है, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही डालना है। डालने से पहले आप पानी डाल दीजिए, पानी डाल के हल्का सा गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप खाद डालिए। तो हर 20 दिन बाद डालना है आपको। अब पानी डालेंगे इसमें, तो दोस्तों इस तरह से आप मेरी गोल्ड लगाइए और बहुत बड़े बड़े फूल होंगे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लगाइए, निश्चित रूप से आपके जो पौधा जो है चारों तरफ फूल ही फूल हो जाएंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े फूल आएंगे। तो इसी के साथ आप मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।